नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर शहर में हिंदू बलिदानी संगम संस्था के द्वारा शौर्य वाहन यात्रा निकाली गई। इसमें भारी तादाद में लोग शामिल हुए। यह यात्रा पीजी कॉलेज से प्रारंभ होकर धार शहर में निकली। यात्रा का जगह जगह विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं ने स्वागत किया। कॉलेज ग्राउंड में सभा का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता सचिन दवे, संयोजक समर्थन सिंह पटेल, रानी लक्ष्मीबाई के वंशज प्रीति झांसी ने संबोधित किया। इस मौके पर महामंडलेश्वर दादू महाराज, द केरल स्टोरी के लेखक सूर्यपाल सिंह विशेष तौर पर मौजूद रहे। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। बलिदान दिवस पर रैली का आयोजन किया था। महारानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस में सभी लोग बहुत संख्या में पधारे। सारे लोगों ने पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा बना के और उसको कार्यक्रम को भव्य बनाया। इसके लिए कार्यक्रम जो हुआ है वो सारे जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। जय पीतमपुर से लगा के कुंवरसी, पिपलिया, डिकठान, सादलपुर, नागदा, सभी धार क्षेत्र के, तिरला के सभी धार क्षेत्र के लोग आए थे। शेष अतिथि दादू जी महाराज थे, साध्वी अपने भगवती जी थी और महारानी लक्ष्मीबाई के परिजन थे, पिंकी जी और उनके दो पुत्र थे। समंदर पटेल कुटावत बलिदान समिति संयोजक। आयोजन के पीछे हमारे यात्रा संयोजक समंदर सिंह पटेल जी की ये सोच थी कि बलिदान, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, उनको भी हमें समय समय पर याद करना चाहिए और उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए। उसी सोच को लेकर आज ये महान लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस पर उनकी शौर्य यात्रा निकाली गई। उसका उद्देश्य था हिंदुत्व संगठित हो, हिंदुत्व मजबूत हो और देश में जो हिंदुत्व पर जो आक्रमण हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं मिलकर विरोध करा जाए। सबसे पहली सोच ये थी कि रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति की जनक थी, उन्होंने जो बलिदान दिया था उस सोच को लेकर हमने उनके परिजनों को बुलाया। प्रीति झांसी वाले, उनके बालक प्रियस झांसी वाले, उनकी 6वीं-7वीं पीढ़ी थी। कहीं ना कहीं हम उनके वंशजों को बुलाकर ये कृतज्ञता महसूस करी कि रानी लक्ष्मीबाई ने देश के लिए जो करा है वो अमर है, देश हमेशा उनको नमन करेगा। इसके बाद हमने
संत श्री दादू महाराज जी, साधु श्री भगवती जी, केरला स्टोरी के लेखक सूर्यपाल सिंह जी और कई गणमान्य अतिथियों के साथ मिलकर कार्यक्रम संपन्न करा। हजारों की संख्या में जो वाहन सम्मिलित हुए, धार ने आज दिखा दिया कि बलिदानियों के लिए धार का दिल धड़कता है। इस आयोजन के लिए मैं आयोजक समंदर सिंह जी पटेल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।